इस बार लखनपुर के पार जाएंगे और बार बार जाएंगे, कभी नहीं आने देंगे। नगर निगम का चुनाव है, आप भी इधर हो हम भी इधर हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, शेर अकेला है, अगर अकेले हो तो हमसे क्यों डरते हो। देखे अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे अन्य नेता भी यहाँ पर खड़े होके जा रहे हैं, परंतु मुझे ये नहीं समझ आता है जो प्रशासन बड़े हवा में ढींगे फेंकती है, उनको हम जैसों से डर क्या लगता है। 18 साल का व्यक्ति हूँ, कोई कुछ नहीं रहा हुआ, कल जाने की कोशिश की, बीच रस्ते में रोक देते हैं कि भाई हमारे को ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, आप आगे नहीं जा सकते। हमने बोला किसका ऑर्डर आया हुआ है, कहते भाई वो हम आपको नहीं बता सकते। बेसिकली हमारे सबको रोकने को दिया जा रहा है। और युवा राजपूत जो शेर लोग हैं, जिनका बलिदान इतना ज्यादा इतिहास में, हिंदुस्तान ही जिनकी वजह से आजाद हुआ, उनके वंशजों को ऐसे उठा के फेंका गया बीच में जेल में, जैसे कोई किसी पे कोई मुकदमे होते, कोई आतंकवादी कोई होता है उनको वैसे ट्रीट करते हैं, वैसे ये देशभक्त लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। और सबसे बुरी बात तो मैं ये समझता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी में जैसे रविंद्र रैना साहब जो बाकी नेता है, वो घर में क्यों बैठे हुए हैं, एसी के कमरों में क्यों बैठे हुए हैं। बाबा चंचल जी जो बड़ा अच्छा नाचते हैं, वो लोग अपने कमरों में क्यों बैठे हैं। जम्मू का दविंदर रैना साहब नारा देने वाले बंदे कहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पे इनको आने की जरूरत है। मैं इनको ये कहना चाहूंगा, भाई मान सिंह मत बनो मान सिंह, आगे अपने को करो। वो मान सिंह का तो चलो ये था, अखबार कम से कम वफादार तो था, उसको सेनापति बनाया था। आपके तो खुद के जो गिल्ली साहब जो है, उन्होंने उनके ऊपर वो FIR करा दी, जो अपनी पार्टी के मेंबरों के नहीं हो रहे, आप क्या उनको डिफेंड कर रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, रेजिग्नेशन आपको देना चाहिए इस वक्त पे। और रैना साहब जी जो बड़ा बोलते हैं, मैं जम्मू का हितेशी हूँ, क्रेडिट लेने में पहले आते हैं, आज कहाँ पर चले गए हैं। जब रोड पे हमारे को धक्के खाने को मिले हमें आगे आया, डंडे खाने के मौके मिले हम आगे आए, टेयर गैस हमने झेली, आप तो अपने एसी वाले कमरे में बैठ के बयानबाजी दे रहे हो। साहब ये लोग कहाँ चले गए, आप मुझे एक बात बताइए, इन लोगों में दम नहीं है कि हम मीडिया के सामने आके फेस अप करें। कुछ लोग कहते हैं, मुझे एक बंदा कहता, सड़ी गली सरकार को भेजो हरिद्वार को। हमने कहा हरिद्वार तो पवित्र जगह है, इनको हरिद्वार में क्यों भेजे, इन लोगों को तो नाले कचूड़े में भेजेंगे जिन्होंने जम्मू की रियासत का इतना बुरा हाल कर दिया। 24 में हम फिर से बहुमत में ऐसे आओगे, अरे जब नौ नमन तेल होगा और नारादा नाचेगी, जब MLA जब रैना साहब ही नहीं जीतेंगे, जब इनके MLA ही नहीं जीतेंगे, तो सरकार कहाँ से बन जाएगी। ये क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता, आपको क्या लगता है वोटों के बीच नहीं बताओ, नारा देते हैं कि इस बार 25 निकालेंगे, 50 से पार जाएंगे, इस बार लखनपुर के पार जाएंगे और बार बार जाएंगे, कभी नहीं आने देंगे। नगर निगम का चुनाव है, आप भी इधर हो हम भी इधर हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, शेर अकेला है, अगर अकेले हो तो हमसे क्यों डरते हो। हम तो 18 साल के हैं, हम आपको कहते हैं रैना साहब को 4 साल से, और डिबेट करते हैं आगे, कहते हैं कि नहीं भाई कोई जवाब नहीं देते हैं, सबके निशानों पे है हम, कुछ तो होगा, हमने भी दम, अगर नहीं होता दम तो आप क्यों नहीं हमारे को जवाब देते यहाँ आके। इनको युवा राष्ट्रीय सभा के सामने बैठना चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए, बाकी मैं आपसे इनको माफी मांगनी चाहिए इस वक्त यहाँ पे आके कि लोगों को ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरी बात का बुरा नहीं माना, ये हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने जब बप्पा रावल जी ने अपनी वीरता से शहीदी दी, 400 साल अरब को नहीं आने दिया, आपको क्या लगता है उनकी सपूत लोग इनकी बात नहीं मानेंगे तो घर में इसी कमरे में बैठ के बयान देंगे कि हम लड़ेंगे। इनमें दम है, एक बार बयान दे टोल नहीं उखाड़ के फेंकेंगे। ये अपने बीजेपी हेडक्वार्टर में घुस के दिखा के तो मेरे को आप आके बोलना, ये अपने हेडक्वार्टर में नहीं घुस सकते इस वक्त में, ये आपको बताओ। रैना साहब जाते हैं, कहते हैं कि सिक्योरिटी चाहिए, पूरा सिक्योरिटी का घेरा बना के पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, पता है कि आगे कोई आके सवाल पूछ लेगा। ये लोगों में कोई दम है क्या, इनको नेता कौन मानता है, हम तो नहीं मानते नेता, हम इनको कलाकार मानते हैं जो बस आके नाच ही सकते हैं। और मैं आपसे अभी विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी युवा राजपूत सभा से इतना बोलना चाहूंगा, लड़ेंगे और जीतेंगे।